तीन वर्ष पर संगठनात्मक चुनाव हमारा होता है, मनोनयन होता है, उसमें आपने कुशवाहा समाज कह दिया, हमारा तो कार्यकर्ता ही एक जाति है बस, सर्वप्रसिद्ध पार्टी है। 27 ओबीसी मंत्री दे के क्लेम करते हैं कि ओबीसी मिनिस्टर दिए हैं, एसटी राष्ट्रपति दिए हैं, एससी राष्ट्रपति दिए हैं। संक्षेप में जो गरीब लोग है वह महंगाई से परेशान है, उसको 100 रुपये पेट्रोल डीजल लेना पड़ता है। आज भी बेरोजगारी सबसे उछले पायदान पे है। आज भी तमाम देशों की तुलना में भारत दिज आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। भविष्य में क्या एजेंडा रहेगा, कुछ नया एजेंडा है? सब लोग कहता है हिंदू मुस्लिम के अलावा आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप देखिए वो तो 80-20 की बात करते हैं योगी जी, तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हम लोग तो तब भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। अब हम क्या बोलते हैं? सबका प्रयास सबका विश्वास। सम्राट चौधरी से आप लोग क्या उम्मीद किए हुए हैं? सीएम बनेंगे? हाँ बिल्कुल सीएम। क्या लग सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पे पटना में उनके स्वागत में भव्य तैयारी की जा रही है, वहीं पे हम लोग मौजूद हैं और समझने का प्रयास करें कि इसके पीछे क्या रणनीतिक मायने हैं। क्या सम्राट चौधरी जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पकड़ में लवकुश वोट माना जाता है, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं, क्या अपने समाज के वोट को उस वोट में सिंधवानी कर पाएंगे, नीतीश से वोट को छीन पाएंगे, इसी मसले पर सवाल करेंगे। और चेहरा कौन होगा 25 के चुनाव में, इस पर ही बात करेंगे। क्या सर नाम आपका? रंजीत निर्गुणी। निर्गुणी साहब, क्या लगता है आप लोग सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्या इतनी तैयारी है? देखिए सबसे पहली बात, आपने कहा रणनीति, तीन वर्ष पर संगठनात्मक चुनाव हमारा होता है, मनोनयन होता है, उसमें आपने कुशवाहा समाज कह दिया, हमारा तो कार्यकर्ता ही एक जाति है बस, सर्वप्रसिद्ध पार्टी है। 27 ओबीसी मंत्री दे के क्लेम करते हैं कि ओबीसी मिनिस्टर दिए हैं, एसटी राष्ट्रपति दिए हैं, एससी राष्ट्रपति दिए हैं। संक्षेप में इतना ही, दोनों पिच पे आप लोग बैटिंग कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने एक युवा हाथ में संगठन का नेतृत्व दिया है। आप लोग प्रदेश के पीछे से जात बात करते हैं, वो लोग फ्रंट पे करते हैं, यही आरोप है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करने वाली पार्टी है, कोई जातिवाद नहीं है। क्लेम करते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते, हमारे यहाँ जाति का नेता नहीं होता है, जाति हर जाति से नेता होता है। अच्छा, आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे आप, कौन सी ऐसी जाति है जिसका विगत 2 दशक में कौन सी एक जाति है जिसका प्रदेश अध्यक्ष नहीं हुआ, बता दीजिए। आप लोग परिवार सम्राट चौधरी, आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं महागठबंधन पे। परिवारवाद नहीं, कौन थे? पाटली पुत्र की धरती पर पलटी पुत्र को जवाब देने के लिए एक सम्राट आया है। ये सम्राट चुनौती दे पाएंगे? चुनौती दे पाएंगे? वो है कहाँ चुनौती देने के लिए? हम अपने सम्राट चौधरी जी की भाषा में कहें तो नीतीश जी की स्थिति यही है कि हमारे यहाँ का एक मंडल अध्यक्ष होता है, जितना काम उसके पास है आज उतना ही काम उनके पास है। अच्छा, कौन संभाल रहा बिहार को? बिहार को अफसर संभाल रहे हैं इसलिए उनका बोलबाला है। अच्छा, अफसरशाही है, अफसरशाही। हाँ, आप देख ही रहे हैं। क्या लगता है 24 का चुनाव 25 से पहले है, 24 में कितना सीट आप लोग क्लेम कर रहे हैं? देखिए हम उत्साह काफी अधिक दिख रहा है आज। ये उत्साह क्या आपको बनावटी लगता है? नहीं ना, बहुत कार्यकर्ता हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में है और सही मायने में उत्साहित है कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से बिहार में 40 के 40 सीट जीतकर एनडीए यहां से देगी। पूछेगा रोजगार कहां गया 2 करोड़ हर साल, क्या बताइएगा? देखिए रोजगार भी हम लोगों ने दिया, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं हुआ। तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं किसी से छिपी हुई नहीं है। आज उज्ज्वला योजना की बात करें, शौचालय योजना की बात करें, करोड़ों जनता को आज पूरे कोरोना काल से अब तक लगातार अनाज देने की बात करें। उसके अलावा में आप दरभंगा में एम्स देखिए, 400 रुपया सिलेंडर था, आप लोग जो है डिस्को डांस करते थे सड़क पे, आज 1200 रुपया है। आपको दरभंगा का एम्स क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? आपको ये गांधी गंगा के ऊपर तो जो गरीब लोग हैं, सवाल है जो गरीब लोग हैं वह महंगाई से परेशान है, उसको 100 रुपये पेट्रोल डीजल लेना पड़ता है। आज भी बेरोजगारी सबसे उछले पायदान पे है। आज भी तमाम देशों की तुलना में भारत दिज आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। 24 में क्या एजेंडा रहेगा, कुछ नया एजेंडा है? सब लोग कहता है हिंदू मुस्लिम के अलावा आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप देखिए वो तो 80-20 की बात करते हैं योगी जी, तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हम लोग तो तब भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। अब हम क्या बोलते हैं? सबका प्रयास सबका विश्वास। धन्यवाद।
हाँ चलिए, तो बेहतरीन बात इन्होंने रखा है, और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका मैम? हम नहीं बात करेंगे। आपका नाम क्या, कौन बात करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? अनामिका पासवान। कहाँ से आए हैं? पटना से ही। पटना से हैं। तो क्या लगता है सम्राट चौधरी जी से, यहाँ देखिए सम्राट चौधरी का शायद आगमन होने वाला है, इसलिए भीड़ काफ़ी अधिक हो चुकी है। फिलहाल बात करते हैं, अभी नहीं आए हैं। क्या लगता है सम्राट चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, कितना बदलाव होगा, कितना कम होगा भाजपा में? बहुत बदलाव होगा। आप जानते हैं कि ये युवा भारत है, और जब कोई युवा अपनी ताकत के साथ किसी पद का ग्रहण करते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। लोग कह रहे हैं कि सीएम चेहरा बनाएंगे, सीएम चेहरा बनाएंगे आप लोग सम्राट जी को? अब तो ये केंद्र, अभी बीजेपी में सीएम चेहरे की कमी नहीं। क्या क्या पसंद है ये बताइए। आपको तो पसंद है कि भाई हमारे सम्राट भैया ने सेहरा बांधा है। हाँ। और ये सेहरा उसी दिन उतरेगा जिस दिन नीतीश जी अपनी गद्दी से उतरे। नीतीश जी टक्कर दीजिएगा जी, नीतीश जी को टक्कर दे पाएंगे सम्राट जी? काहे नहीं, नीतीश जी को तो हमारे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता टक्कर दे। थर्ड नंबर की पार्टी है बिहार में, हमारे टक्कर में है कहाँ। आप भी पहले जो है थर्ड में हुआ करते थे, सब आगे बढ़ता है ना। करते थे, लेकिन बिहार की जनता अब चाहती है कि भारतीय जनता। आप भी तो थर्ड नंबर के पार्टी को सीएम बनाए थे, साथ में तो थे आप लोग। हमारे जो केंद्र नेतृत्व है वो अपनी बात पर खड़े रहते हैं। अब सीएम नीतीश कुमार जी की तरफ पलटी मार तो है नहीं। सम्राट चौधरी पहले जदयू में ही थे, उससे पहले राजद में थे, उससे पहले हम में थे, चार जगह गए हैं। वो चार जगह जाए उनका मन हुआ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हमारी पार्टी राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से आगे बढ़ती है, उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है तो हमारे पार्टी में आए। सम्राट चौधरी से आप लोग क्या उम्मीद किए हुए हैं, सीएम बनेंगे? हाँ, बिल्कुल सीएम। क्या लग, चलिए तो आगमन हो चुका है, यहाँ देखिए आप इसी तस्वीर में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।